नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशन में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार चार भाई नदी के तट पर अपने प्राण त्याग करके इत्मीनान से लेटे हुए और आहट जैसा माहौल हो रखा है, भूतिया सीरियल जैसा कुछ लग रहा है। हाँ यार, दिखा ऐसे रहते हैं। हाँ, अब ये धुआं आ रहा है सबके चेहरे के पास और बेहोश हो जा रहे हैं। अब ये धुआं क्या है, किस आयाम से आ रहा है, ये पता करने के लिए युधिष्ठिर पहुंचे हैं वहां। और देवी द्रौपदी को ये आश्वासन देके गए हैं कि अगर हम ना लौटे, अगर हम ना लौटे तो आप यहाँ से द्वारिका चले जाइएगा, वासुदेव श्री कृष्ण ही आपको आगे का मार्ग सुनिश्चित करेंगे। अगर देखा जाए तो इस वक्त भीम जैसा बलशाली, अरे भीम अर्जुन जैसा माया से नहीं लड़ रहे हैं, अर्जुन के जो बाण है वो माया से कम तो नहीं है। अब देखना यह है कि किस प्रकार की क्या चाहता है ये जो भी चीज है, वो क्या मांग रही है, इन लोगों से किस प्रकार से इन लोगों के साथ खेल खेल रही है, ये देखने के लिए चलते हैं हम एपिसोड 160 पार्ट 2 के लिए। सबके सब इतने बलशाली भाई अस्त्र और शस्त्र के साथ पड़े हुए हैं, क्या बड़ा शौक लगा होगा। कैसी ये माया है, कौन है आप जिन्होंने बिना कारण मेरे भाइयों के प्राण लिए? कृपा करके सामने आइए। जब तक मैं ये नहीं जानता कि मैं किसके साथ और किस कारण से युद्ध कर रहा हूं, तब तक मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कारण तो जानने का अधिकार है ही है। मुझे आपसे कोई भय नहीं, अनजाने में मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता। कृपया प्रकट होकर सामने आए। कुछ तो है, ये धुएं जैसा कुछ तो है, सारा धुआं एक ही जगह एकत्रित हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, जी चिराग बगीचा नहीं किसी ने। मैं यक्षों का नायक हूं, इस जलाशय का स्वामी। किसी भी मनुष्य को ये अधिकार नहीं कि वो इस जलाशय से जल भर सके। किंतु तुम्हारे भाई नकुल ने बिना अधिकार के मेरे जलाशय से जल भरने का प्रयत्न किया, इसीलिए मैंने उसका वध कर दिया। बताना तो चाहिए, परमिशन नहीं। पांडु पुत्र, तुम्हारे भाइयों ने कमंड में आकर मुझे युद्ध के लिए आह्वान दिया। अच्छा, मैंने इन चारों को अपने सामर्थ्य और अधिकार का ज्ञान दिया इनका वध करके। ना ये जल आपने निर्मित किया है, ना ही ये जल भरने का स्थान आपने बनाया है, इस पर आपका अधिकार किस प्रकार हो सकता है यक्षराज? जल लेना कोई अपराध नहीं यक्षनाय, तो आपने किस कारण से मेरे भाइयों को ये दंड दिया है? न्याय और धर्म दोनों ही ये कहते हैं कि आपको मेरे भाइयों के प्राण लौटाने होंगे। असंभव, किंतु तुम मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कर सके तो मैं तुम्हारे किसी एक भाई को जीवित कर दूंगा। मेरे चार भाइयों की मृत्यु के बाद मेरा जीवित रहना संभव नहीं यक्ष। किंतु मैं अपने एक भाई को जीवित रखने की इच्छा रखता हूं यक्षराज, इसलिए अपनी बुद्धि के अनुसार आपके मन का समाधान करने का प्रयत्न करूंगा। पूछिए प्रश्न यक्षराज। बोलो, जीवन क्या है और मृत्यु क्या है? हम्म,
ऋग्वेद का कथन है यक्षराज, समास्त दग्रे संव्रत तदादि मनसो रेत प्रथम यदासित, परम तत्व के हृदय में सृष्टि रचने की कामना थी आरंभ में, उस इच्छा की किरणें चारों ओर फैल गई और दिशाएं बनी, परमात्मा अपनी इच्छा से स्वयं ही सृष्टि बन गए। तीन लोक, तीन गुण और तीन काल बने, अनेक जीव और अनेक पदार्थ निर्मित हुए परमात्मा के मन में, प्रत्येक जीव और प्रत्येक कण स्वयं परमात्मा ही है यक्षराज, अर्थात परमात्मा ही जीवन। जिसका हृदय ये बात जान लेता है वो दूसरों के प्रति कभी क्रोध या ईर्ष्या नहीं कर सकता, वो धर्म पर चलता है और न्याय का सदा ही सम्मान करता है, यही जीवन का सार है। और मृत्यु क्या है युधिष्ठिर, बोलो। मनुष्य अपने प्रेम स्वार्थ तथा क्रोध के कारण दूसरे मनुष्य के साथ मन से बंध जाता है, उस बंधन का नाम ही मोह है। मोह के कारण मनुष्य अपने शरीर को जीवन मानता है और शरीर के नाश को मृत्यु कहता है, किंतु सारा जगत तो परमात्मा के मन में ही जन्मा है और परमात्मा के मन में ही उसका नाश हो सकता है। मार्ग पर चलने वाले दो प्रवासी कुछ समय के लिए एक साथ चलते तो हैं और फिर दूर हो जाते हैं, उस समय दोनों को ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे मनुष्य का नाश हो गया, वास्तव में दोनों ही प्रवासी उसी मार्ग पर चल रहे हैं। उसी प्रकार हम जिसे मृत्यु कहते हैं वो केवल दो मनुष्य के बीच आने वाली दूरी है। जब तक जगत तब तक किसी जीव का नाश होना संभव ही नहीं, तो मृत्यु किस प्रकार हो सकती है? अर्थात यक्षराज, परमात्मा ही जगत, जगत ही जीवन, मृत्यु केवल एक भ्रम, एक माया। क्या बात है यार, अद्भुत पुत्र युधिष्ठिर, तुमने मेरे प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर दिए, इसीलिए मैं अपने वचनों के अनुसार तुम्हारे किसी एक भाई को जीवित करूंगा। मांगो, विश्व के सबसे बलवान व्यक्ति के प्राण मांग लो, भीम जीवित होगा तो कोई भी शत्रु तुम्हारी और दृष्टि नहीं कर सकेगा, स्वयं पवन पुत्र हनुमान तुम्हारे राज्य का रक्षण करेंगे। नहीं यक्षराज, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु तो स्वयं उसके हृदय का दुख होता है, भाई जीवित नहीं होंगे तो भीम उस दुख नाम के शत्रु से मेरा रक्षण किस प्रकार कर पाएगा? वास्तव में भीम स्वयं अपने हृदय के दुख से पराजित होकर निर्बल बन जाएगा। तो अर्जुन के प्राण मांग लो तो संसार का सबसे बड़ा धनुर्धारी जीवित होगा तो समग्र संसार को लाभ होगा। मैं अर्जुन को जानता हूं यक्षराज, जब इसे पता चलेगा कि इसके जीवन का कारण इसके तीन भाइयों की मृत्यु है तो इसका साहस गलने लगेगा, शरीर में कंप जन्मेगा और इसके हाथ से इसका गांडिव छूट जाएगा सदा के लिए। क्या बात है यार। और यदि भीम अथवा अर्जुन का जीवन मैं मांगूंगा तो मेरी माता को भी दुख होगा। तुम्हारी माता को अपने एक और पुत्र के जीवित होने से दुख होगा, ये किस प्रकार का तर्क है युधिष्ठिर? मेरी माता का एक पुत्र जीवित है यक्षराज, मैं जीवित, अब महाराज पांडु की दूसरी पत्नी का अधिकार है जिसके कोख से जन्मा हुआ एक पुत्र भी जीवित रहे। मेरी माता कुंती भी यही इच्छा रखती है और मैं भी यही आशा करता हूं, इसलिए यक्षराज यदि आपको एक ही भाई को जीवित करने का वरदान देना है
मेरे भाई नकुल को जीवित कर दिया। अद्भुत पुत्र युधिष्ठिर, हम प्रसन्न हुए। सारी माया गायब। अरे दैवीय रूप में मैं धर्मराज, कुंती और पांडु को प्रसाद के रूप में मैंने तुम्हारा दान किया था। धर्मराज तो दृष्टि से मैं तुम्हारा धर्म पिता हूँ और मुझे गर्व है मेरे धर्म पुत्र पर। परीक्षा दे रहे मैं तुम्हारे सारे भाइयों को जीवित करता हूँ। प्राण लेने का अधिकार तो यार धर्मराज पे ही है, ये हम लोग कैसे चुक गए? भी सोचा था यार इतने बलशाली पर चुप क्यों है? धतूरा सुना के सावन का मास है और शिव जी की भक्ति इस वक्त चरम सीमा पर है। जिसे भी रुद्राभिषेक करवाना है वो धतूरा जरूर ढूंढ रहा है। मुझे लगा वही धतूरा इधर सुना करके सबका काम तमाम हो गया है। मैं ये सोचा था कि जब युधिष्ठिर उनको जवाब दे रहे थे यक्षराज को, तो मैंने मुझे ऐसा लगा कि यक्षराज बाद में ये ना बोल दे उनको, भाई आपका नॉलेज तो कमाल का भाई। साइड अपार्ट, साइड अपार्ट। देखिए ये यक्ष और गंधर्व किन्नर, जो किन्नर खैर अब शब्द मैं हटा देता हूं, यक्ष गंधर्व अगर इन लोगों की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि जिस आयाम में हम लोग रह रहे हैं उससे एक दूसरे आयाम में ये लोग भी हमारे साथ ही वास करते हैं। भूत प्रेत पिशाच किन्नर गंधर्व ये सब लोग इसी लोक में हमारे से आयाम बदल लेते हैं। मनुष्य की आंखों की कुछ सीमाएं निर्धारित है, जिस प्रकार से आप पराबैंगनी किरणें नहीं देख सकते। यदि कोई वस्तु आपके समक्ष रखी है और वो सारी की सारी किरणें सोख ले रहा है सिवाय पराबैंगनी की, तो वो वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन वो वस्तु वहां होगी। क्यों? क्योंकि वो पराबैंगनी किरण को सोख नहीं पा रही। इस प्रकार का जो विज्ञान है उसे हम सामान्य स्तर पे नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें इमेजिनेशन या कल्पनाओं की एक असीम चरणबद्ध प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं फिर कभी आपको इत्मीनान से किसी दूसरी जगह पे मिलूंगा। भाई नॉलेज तो आपका एक कमाल का भाई। लेकिन फिलहाल अभी यहां की बात करते हैं। तो देखा हम लोगों ने कि किस प्रकार से पांचों चारों को चित्त कर दिया धर्मराज। अच्छा धर्मराज तो किसी को भी चित कर सकते हैं, माया उनकी ऐसी है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। युधिष्ठिर को उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा धर्म पिता हूं और मुझे गर्व है कि मैंने तुम्हारे जैसा जो है वो पुत्र देवी कुंती। एक तरह से पिता पुत्र की परीक्षा ले रहे हैं, पुत्र ने टॉप किया। अच्छा अभी देखना यह है कि ये परीक्षा रिजल्ट में मिलेगा क्या मिलेगा। सही बात है, मतलब पिताजी के सामने अगर बच्चा टॉप करता है तो बिटाओ बिटा तुम्हें क्या चाहिए, साइकिल चाहिए? सडन जरूरत क्यों पड़ गई? अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, पिताजी के सामने अगर बच्चा टॉप करता है तो पिताजी क्या पूछते, बताओ साइकिल चाहिए, इनाम क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए, क्या चाहिए, बताओ तुम बताओ। कलर वादान को कोई मानता नहीं, अब जो मिलता है वो अभी देखते हैं। भेंट स्वरूप मिलता है। धर्मराज अपने पुत्र युधिष्ठिर को भेंट स्वरूप क्या देते हैं, ये सब देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा अगले एपिसोड में। फिलहाल इस एपिसोड से हम यहीं विदा लेते हैं, शीघ्र ही लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।